नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए या जो सेंटर में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेगी उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एच तहसील वेलफेयर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पर पे क्वेश्चन पेपर होके उसकी आंसर की मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो था टर्म फेडरल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोडस विच मीन तो इसका जो सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन सी था जो कि कोवनेट ओके नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन आइटम इन द इलेवें शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन सी था नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकल बिकर सेक्शन तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है जो कि वन ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट नेक्स्ट था हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो इसका जो सही जवाब वो हमारा ऑप्शन बी था जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन था द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी थ्री मैंसन द जो कि हमारी सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट हुई थी दोस्तों इसके बारे में पूछा गया है तो इसका जो सही जवाब था वो था हमारा ऑप्शन बी जो कि है फंक्शन ऑफ मुंसिपैलिटीज़ नेक्स्ट था पॉकेट विटो इज़ एन्जॉयड बाई तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन बी था जो कि है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन था वट वाज द मेन परपज ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया तो इसका जो हमारा सही जवाब था दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी था जो कि था डिसन ऑफ द पोलिटिकल पावर टू द लोकल बॉडीज नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हु इज ऑथोराइज टू डिसाइड ओवर अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेम्बर ऑफ पार्लिमेंट तो इसका जो सही जवाब वो हमारा ऑप्शन बी था जो कि है प्रेजिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था जो कि आर्टिकल 275 नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट लोकपाल एंड लोकयुक्त ओके तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई थी तो इसका जो सही जवाब था दोस्तों वो ऑप्शन डी था जो कि एक दो और तीन यहाँ की नी की तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ जाम जे ए एम ट्रिनिटी ओके तो इसका जो सही जवाब था वो था जन धन आधार मोबाइल यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब था नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ मैक्सिमम बेट इन होल सेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया तो इसका जो सही जवाब था वो था हमारा ऑप्शन ए जो कि है फूड आइटम्स नेक्स्ट था प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी आर मेजर वर इन तो इसका जो सही जवाब था दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए था जो किया इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नेक्स्ट है फॉलोइंग इज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम इंफ्लेशन तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन सी था दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था जो कि है कॉस्ट ऑफ लिविंग सी ए पार्ट इज रिलेटेड टू तो इसका जो सही जवाब था दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ए था जो कि था असिस्टिंग एंड इवेलुएटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम नेक्स्ट था ई एस टैन तो इसका जो जवाब था वो ऑप्शन बी था जो कि है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टिंग एन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन ए था जो कि है वन एंड टू यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल एरिया नेक्स्ट था न्यूली एनोग्रेटेड पोर्टल उद्यमी मित्रा इज टू असिस्ट तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी था जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नेक्स्ट था विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन सी था दोस्तों जो कि है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अरेवल लैंड इन द इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सेलियन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था ओके okay, जो कि है ओवर इरीगेशन नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नेचुरल हेजार डू बलीजर्ड कम ओके यानी कि बर्फीला तूफान जो है किस प्राकृतिक के अंतर्गत आता है तो इसका जो हमारा सही जवाब है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए जो कि है एटमोस्फेरिक नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ हिमालया डू वी फाइंड द करेवा फॉर्मेशन तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी है जो कि है कश्मीर हिमालय नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जो कि है नर्मदा रिवर नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी रहेगा जो कि है ओडिशा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट लेट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज तो इसका हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डू वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव ओरोग्राफिक रेनफॉल तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन डी है जो कि है ड्यू टू फेसिंग स्लोप ऑफ साउथ बेस्ट मानसून नेक्स्ट क्वेश्चन बिच ऑफ द फॉलोइंग लेक बीन फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था जो कि है बुल्लर लेक नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन ए था जो कि है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट नेक्स्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है जो कि है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहांस बेसिक सर्विस एंड क्रिएट वेल प्लांट रूरबन क्लस्टर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मैनी क्लस्टर टू तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी जो कि है सिक्स नेक्स्ट है द सतलुज रिवर एंटर इंडियन टेरिटरी एट बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो so, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है जो कि है नियर शिपकी नेक्स्ट है कमेरी और चोली जोजी चादरू कमरबंद चलन और सुथन एंड शू मेड ऑफ ग्रास और स्ट्रॉ आर द पेमेंट ऑफ दिच ट्राइबल वोमेन ऑफ एच पी तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन डी रहेगा जो कि है पगवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन आर करेक्ट तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन डी नेक्स्ट है द मोस्ट एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन सी है जो कि है खासा स्टाइल आर्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्कूल गॉट द रॉयल पेट्रोनेज फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा उदय सिंह तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था जो कि चंबा पेंटिंग नेक्स्ट बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है रिकॉर्डेड द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो थ्रू आउट द कंट्री एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंस तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन डी था जो की लॉल एंड स्पीति नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्रूव पोल्ट्री ब्रीड इंट्रोड्यूस बाई द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एच पी तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन ए था नेक्स्ट था मैच द फॉलोइंग कम्बिनेशन एड सेक्ट डाइन करेक्ट कम्बिनेशन तो दोस्तों इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन डी था यानी कि जो डी वाला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत मैच हुआ है नेक्स्ट है वो इज द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन ए है जो कि था हमारा यहां पे हमें मैच करना था ओके okay, तो इसका जो सही जवाब था दोस्तों वो A था यहाँ नेम द रूलर ऑफ द कॉस्टली रॉब एंड विद द सैल्यूट ऑफ सेवन गन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लू ऑफ हिज सर्विस ड्यूरिंग एटीन तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन ए था जो कि है राजा शमशेर प्रकाश नेक्स्ट था हु द टेरिटोरियल काउंसिल विच फॉर्म्ड ऑन फिफ्टीन अगस्त 1957 तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी था जो कि है करम सिंह ठाकुर नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश बिकेम डैश स्टेट ऑफ स्टेट टू लॉन्च द स्टेट विद एरिया नेटवर्क हिमसवान इन द कंट्री तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा हिमाचल प्रदेश ऐसी पहली स्टेट है नेक्स्ट हमारा एच आर एम एन नाइन इजीच दूट बाई फॉलोइंग प्लेस ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड तो इसका सही जवाब है, so, है वो ऑप्शन डी है जो कि है लोसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वॉज कंसीव्ड एज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन डी था जो कि रेणुका डैम हाइड्रो अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर 2010 11 इलेवन परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जनल फार्मर तो इसका जो सही जवाब है वो है ए जो की एटी परसेंट नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था अंगोरा रेबिट फार्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रेबिट्स टू द ब्रीडर आर फंक्शनिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इन एच पी तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन सी था जो कि है खंदवारी जो कि कांगड़ा में है एंड नगवान जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेंक्श अ नेशनल प्रोजेक्ट ऑन बोविन ब्रीडिंग ऑफ एच पी वट इज़ द पैटर्न ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जो हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट है, है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ दब्ल्यू बैंक जर्मनी इज बिंग इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था जो कि है चंबा एंड कांगड़ा नेक्स्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड अपग्रेडेशन ऑफ ग्राम पंचायत घर टू पॉइंट फिफ्टी करोड़ टू फिफ्टी ग्राम पंचायत अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन ए था जो कि है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जो कि इलेवन शो ओके तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन डी जो कि है प्रोवाइडिंग स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बेटी है अनमोल योजना ऑफ एच पी तो दोस्तों इसका जो सही जवाब था वो था हमारा वन एंड टू यानी कि जो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन वन दिया गया और टू दिया गया ये बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सौर सिंचाई योजना ऑफ एच तो इसका जो सही जवाब था वो हमारा ऑप्शन सी था जो कि वन एंड थ्री ओके दोस्तों इसी के साथ हमारे ये आज के जो एग्जाम हुआ उसका जो पहला पार्ट है वो कवर होता है बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें कवर करवा दूंगा तो हमारे दूसरे पार्ट का जरूर वेट कीजिए कुछ ही कुछ ही देर में आपको वो भी मिल जाएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद